तो हाय गाइस, बड़ा क्रेजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबॉल के इस तरंग स्पीकर के बारे में। इस स्पीकर को मुझे लेके लगभग 7 साल हो गए और ये काफ़ी सही बचता है प्राइस के लिए। क्वालिटी भी काफ़ी सही है। पूरा स्पीकर जो है वो वुडन है, सब वूफर भी इसका वुडन है, स्पीकर भी वुडन है। देखिए गाइस, इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है और इसके सामने जो कपड़ा लगा है वो भी काफ़ी सही है, आज तक फटा नहीं। एक इसका जो रबर का स्टॉपर है वो टूट गया, बट ठीक है। 2-3 बार शायद से स्पीकर मैंने नीचे गिराया भी था गाइस, पर ये काफ़ी सही स्पीकर है। इसकी वायर भी काफ़ी सही है। इसके साथ इसका एक और भाई है जो कि ये स्पीकर है। देखिए गाइस, दोनों साथ में कितने मस्त दिखते हैं। और ये सब वूफर जो है वो भी काफ़ी सही है। ये वायर शायद से मैंने अलग से खरीदी थी गाइस, क्योंकि इसकी वायर जो थी वो शायद घूम गई या टूट गई, बट ये भी काफ़ी सही है। 3.5 mm का ऑक्स है गाइस, इसको आप आपके मोबाइल के अंदर डाल सकते हो और संगीत का सेवन कर सकते हो। तो इस वायर की क्वालिटी भी काफ़ी सही है गाइस। ये जो बटन है उससे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो गाइस, काफ़ी सही बटन है। और यहाँ पे पीछे टोटल 4 इनपुट्स है। एक ऑडियो इनपुट है गाइस जो कि इसके ऑक्स से कनेक्ट है, तो एक राइट वाला लाल में डालना है, लेफ्ट वाला वाइट में डालना है जो कि एल में है, और ये सही होगा गाइस। इसका जो स्पीकर है वो पूरा वुडन है, उसके पीछे का जो पतरा है वो स्टील है, और ये ऑडियो आउटपुट है गाइस। इसके अंदर स्पीकर्स की वायर जाती है, राइट साइड वाला स्पीकर राइट साइड में यानी कि लाल, वाइट वाला जो है वो लेफ्ट साइड में यानी कि सफ़ेद। आराम से अंदर डालिए, लाल को लाल में ही डालिए, वाइट को वाइट में। ओके तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और जो नीचे की केबल की क्वालिटी है वो अलग है। ये ओरिजिनल है, देखिए ये कितना पुराना हो गया है, बट ये अभी भी सही चल रहा है। इसका कुछ प्रॉब्लम है गाइस कि ये अभी इतना पुराना हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा इसके जो नॉब्स है वो ठीक से घुमाने पड़ते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है गाइस, आप पॉज करके देख सकते हैं, बट स्पीकर तो काफ़ी सही है।